करंट अफेयर टेस्ट सीरीज पार्ट 8, इसमें हम 2018 के इंपोर्टेंट करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, हाल ही में एशिया सोसाइटी द्वारा गेम चेंजर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए इंदिरा नुई। गेम चेंजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है इंदिरा नुई को। ये पेप्सिको की सीईओ थी लेकिन अब नहीं है, तो अब पेप्सिको के सीईओ कौन है? रामन लागुआर्ता। पेप्सिको के सीईओ है रामन लागुआर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, हाल ही में फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप का आयोजन कहां किया गया? ऑप्शन सी फ्रांस। और अंडर 20 महिला विश्व कप किसने जीता? ये जापान ने जीता है। किसको हराकर? स्पेन को हराकर। आयोजन कहां हुआ? फ्रांस में। और अगर बात की जाए कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन कहां हुआ, तो वो हुआ था रूस में। जीता किसने? फ्रांस ने। किसको हराकर जीता? क्रोएशिया को 4-2 से हराकर जीता। देखिए ये आपके पढ़े हुए क्वेश्चन है लेकिन आप रिवीजन नहीं करते, इसलिए क्वेश्चनों के जवाब नहीं दे पाते। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आप इन क्वेश्चनों का रिवीजन कीजिए, चाहे कहीं से भी आपको क्विज मिले आप उन्हें जरूर सोल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है, भारत की पहली जैव ईंधन संचालित फ्लाइट ने उड़ान कहां से कहां तक भरी? ऑप्शन ए देहरादून से दिल्ली। भारत की पहली जैव ईंधन संचालित फ्लाइट देहरादून से उड़ी थी और दिल्ली तक किसने उड़ान भरी? इसमें 75% फ्यूल एयर टर्बाइन फ्यूल है और 25% फ्यूल बायोफ्यूल है, इसलिए इसे भारत की पहली जैव ईंधन संचालित फ्लाइट कहा गया है। और इसमें यूज होने वाले जैव ईंधन को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने बनाया है, यह देहरादून में है। और इसी के साथ जैव ईंधन संचालित फ्लाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला भारत पहला विकासशील देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन सी जी सतीश रेड्डी। अच्छा, अगर आप कोई पूछ ले डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या होगी, तो ये होगी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है, हिंदी महासागर सम्मेलन 2018 की मेजबानी किसने की? ऑप्शन ए वियतनाम। हिंदी महासागर सम्मेलन 2018 की मेजबानी की वियतनाम ने। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बैंक डिजिटल लेन देन के मामले में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है? ऑप्शन बी पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। हाल ही में डिजिटल लेन देन के मामले में सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों टोटल 25 क्वेश्चन है और इस टेस्ट को देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में, आपके कम से कम 22 से अबाव क्वेश्चन सही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन, एशियन गेम्स 2018 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। देखिए एशियन गेम्स 2018 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता और किस फील्ड में जीता? तो इन्होंने भाला फेंक में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोच समझकर जवाब देना, 2019 में एशिया यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन बी उत्तरी कोरिया। अटक गए बाबू। अच्छा, उत्तरी कोरिया से एक क्वेश्चन और याद आया, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करने सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो वो है 38वीं समानांतर रेखा, जो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन, गूगल ने अपने किस पेमेंट ऐप का नाम बदलकर गूगल पे किया है? ऑप्शन ए तेज। गूगल ने अपने पेमेंट ऐप तेज का नाम बदलकर गूगल पे कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसरो भारत का पहला मानव रहित मिशन कब लॉन्च करेगा? ऑप्शन बी 2022 में। इसरो भारत का मानव रहित मिशन लॉन्च करेगा 2022 में और उसे नाम दिया गया है गगनयान मिशन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या नाम दिया गया है? गगनयान मिशन। अच्छा, अगर भारत इस मिशन में कामयाब होता है तो भारत ऐसा करने वाला चौथा राष्ट्र बन जाएगा, यानी कि अभी तक ऐसे 3 देश हैं जो ये कर पाए हैं, अब चौथा हो जाएगा भारत। कौन कौन से 3 देश? अमेरिका, चीन, रूस, जिन्होंने मानव अंतरिक्ष मिशन को अंजाम दिया और अब भारत का नंबर है। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए इसरो की फुल फॉर्म क्या होगी, तो ये होगी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई? 1969 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है?
बेंगलोर में। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? विक्रम साराभाई के द्वारा। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? के सिवान। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है। हाल ही में जयपुर फूड शिविर का आयोजन कहां किया गया? ऑप्शन ए वियतनाम। हाल ही में जयपुर फूड शिविर का आयोजन वियतनाम की राजधानी हनोई में किया गया और इसका उद्घाटन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया और यह शिविर लगाया गया जयपुर के भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के द्वारा। अच्छा, इस शिविर में क्या किया गया? तो इस शिविर में वियतनाम के जो भी विकलांग नागरिक थे ना, उनको कृत्रिम पैर दिए गए, उनको कृत्रिम पैर लगाए गए। तकरीबन 500 नागरिकों को कृत्रिम पैर लगाए गए। नेक्स्ट, हाल ही में सिंधु जल संधि वार्ता कहां शुरू हुई? ऑप्शन बी लाहौर। देखिए, हाल ही में सिंधु जल संधि वार्ता लाहौर में शुरू हुई। अच्छा, ये सिंधु जल संधि क्या है? देखिए, सिंधु नदी भारत और पाकिस्तान के बीच बहती है। इस नदी के जल बंटवारे को लेकर हमेशा विवाद रहता है, इस करके ही सिंधु जल संधि पर वार्ता शुरू हुई है। नेक्स्ट, हाल ही में पहले सार्क कृषि सहकारी व्यापार फोरम का आयोजन कहां किया गया? ऑप्शन ए काठमांडू, नेपाल के काठमांडू में किया गया। अच्छा, सार्क का नाम आया है तो सार्क की फुल फॉर्म क्या होगी? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अच्छा, इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई? इसकी स्थापना 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई और इसका हेडक्वार्टर है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और पूछ ले कि सार्क के कितने सदस्य देश हैं? तो 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। ये 8 देश सार्क के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए काफी टफ हो सकता है। रुचि घनश्याम को किस देश में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन। अटक गए बाबू। रुचि घनश्याम को ब्रिटेन में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने मलेरिया मुक्त होने के लिए अमेरिका की एजेंसी मलेरिया नो मोर के साथ समझौता किया है? ऑप्शन डी उड़ीसा। उड़ीसा ने मलेरिया से मुक्त होने के लिए अमेरिका की एजेंसी मलेरिया नो मोर के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन। एशियन खेल 2018 में किस खिलाड़ी ने हेप्टथलॉन में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन ए स्वप्ना बर्मन। इन्होंने एशिया खेल 2018 में हेप्टाथलॉन में स्वर्ण पदक जीता है। अच्छा, अब ये हेप्टाथलॉन क्या होता है? ये एक प्रकार का इवेंट होता है, इसमें 7 गेम होते हैं। ऊंची कूद, गोला फेंक, 200 मीटर रेस, लंबी कूद, भाला फेंक, 800 मीटर रेस, 100 मीटर रेस। उसके बाद जो भी कैंडिडेट बेस्ट परफॉर्मेंस देता है इन सभी गेम में, फिर डिसाइड होता है कि कौन स्वर्ण लेगा, कौन रजत लेगा, कौन कांस्य लेगा। भाइयों बहनों, मित्रों, अरे हमारे देश के लड़के लड़कियां कमाल है। भाइयों बहनों, ऐसे ही गोल्ड मेडल लाते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं में सुधार के लिए किस बैंक के साथ ऋण समझौता किया है? ऑप्शन बी एशिया विकास बैंक। मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजना में सुधार लाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मनीला में। अच्छा, मध्य प्रदेश से याद आया, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे कमलनाथ जी। कांग्रेस ने इनके नाम पर मोहर लगा दी है और ये मध्य प्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री होंगे, तो एक लाइक तो बनता है बस। नेक्स्ट, भारत सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन डी बुल्गारिया। अच्छा भाई, अब कोई पूछ ले कि भाई बुल्गारिया की राजधानी क्या है, तो ये होगी सोफिया, और बुल्गारिया की मुद्रा क्या है, ये होगी लेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ लेकिन आप भूल गए बाबू। एशियन गेम्स 2018 में ट्रिपल जंप में अरविंदर सिंह ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शन सी स्वर्ण पदक जीता है मेरे भाई, अरविंदर सिंह ने ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, संस्थाओं की रैंकिंग के लिए अटल रैंकिंग की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ऑप्शन डी प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसका उद्घाटन किया है और यह रैंकिंग शुरू की गई है HRD द्वारा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। अच्छा, ये शुरू क्यों की गई है? हायर एजुकेशन में इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा। हाल ही में आइडिया का किस कंपनी के साथ विलय हुआ है?
ऑप्शन बी वोडाफोन, और अब ये कंपनी बन गई है वोडाफोन आइडिया और इसके सीईओ हैं बलेश शर्मा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काकाडू नौसेना युद्ध अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया? ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। इस युद्ध अभ्यास में भारत सहित 25 देशों ने भाग लिया। भारतीय नौसेना के जहाज सहाद्री ने भी इसी युद्ध अभ्यास में भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, निम्न में से किस टेबल टेनिस खिलाड़ी को ब्रेक थ्रू टेबल टेनिस स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी मनिका बत्रा। मनिका बत्रा को ब्रेक थ्रू टेबल टेनिस स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दें मनिका बत्रा ने 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में 4 मेडल जीते थे, 2 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए चैलेंज, अगर आप इसका सही जवाब नहीं देते हैं तो बेशक पानी में डूब मरियो भाई। हॉकी विश्व कप 2018 के क्वार्टर फाइनल में भारत किस देश से हारकर हॉकी विश्व कप से बाहर हुआ? तो दोस्तों आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका सही जवाब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। और हाँ, पीडीएफ की टेंशन कति मत लियो भाई, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, वो आप ज्वाइन कर लो, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव कोई भी विचार तो प्लीज कॉमेंट्स कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खाली मत बैठना, डिस्प्ले पे जो 2 वीडियो शो हो रही है वो आप देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।